जी हाँ दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइव फार्मिंग में। तो आज हम किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं देसी मुर्गी के अंडों का व्यापार। जिन भाइयों के पास अधिक ज़मीन नहीं है, कम जगह है, वो भी कर सकते हैं देसी मुर्गियों के अंडे का व्यापार, क्योंकि ठंडियों में आपको पता होगा हर जगह पे देसी मुर्गी के अंडों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उनको लिए, उन किसान भाइयों के लिए हम आज बताना चाहते हैं कि कौन से ब्रीड से आप देसी मुर्गी के अंडों का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं देसी मुर्गी के अंडों का व्यापार करके। तो भाई लोग, आज आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ कि कम जगह में आप जो है कैसे कर सकते हैं देसी मुर्गी के अंडों का व्यापार, क्योंकि ठंडियाँ हैं, ठंडियों में जगह भी कम लगती है। यदि आप उनको जगह अधिक दे देंगे तो मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मुर्गियाँ आपकी मरने लगेगी ठंड की वजह से। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले हम आपको ब्रीड बता दें। इसमें जो मेन ब्रीड होती है, वन राजा, ग्रामप्रिया, सोनाली, ये होती है देसी, प्योर देसी जिसे कह सकते हैं कि मतलब इनके फंक्शन और इनके बॉडी के ग्रोइंग ग्रोथ वगैरह सब पूरे देसी तरीके से ही होती है। आपको इनका अंडा आप लोग उत्पादन करके बच्चा नहीं पाल सकते तो आप लोग बड़ी मुर्गियां ले सकते हैं, जैसे हम लोगों के पास मिलते हैं। इस तरीके के हर एरिया में अधिक से अधिक सेलर होते हैं, अच्छे सेलर होते हैं जो अच्छी ब्रीड्स बेचते हैं। जैसे कि आप हमारा अभी पूरा फार्म हाउस देख लीजिए, इस तरह का ब्रीड हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि आप बच्चे से यदि नहीं करना चाहते तो आप बड़ी लेके अपने अंडे का स्टार्ट कर सकते हैं फार्मिंग। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई बड़े लेवल पे ही करिए, आप छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं देसी मुर्गियों के अंडे का बिजनेस। आप उस तरीके से स्टार्ट करके और कमाई शुरू कर सकते हैं। जो आपको मैं ब्रीड बताया, सोनाली, ग्रामप्रिया, वनराजा, आप कड़कनाथ भी पाल सकते हैं देसी में। तो ब्रीड का हम आपको बता नहीं होती, ब्रीड देसी का मतलब तो आप लोग समझते हैं जो हमारे यहाँ की ब्रीड हो अपने देश की, देश का मतलब, देसी का मतलब देश का सामान ही होता है, तभी उसको देसी कहा जाता है। तो आप इन सभी ब्रीडों को पालिए और अपने अंडे का प्रोडक्शन लीजिए। सबसे मेन आपको यही देखना है ब्रीड में, कि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो ब्रीड पालनी है जो कि अधिक अंडा दे, क्योंकि जब आपको अंडा अधिक मिलेगा तभी आप उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब आपका अंडे का प्रोडक्शन कम होगा, अंडे कम देगी मुर्गियाँ, तो आपको कैसे मुनाफा हो सकता है। इसके लिए आप लोग जो भी ब्रीड पालिए उसमें कोशिश करिए कि अधिक अंडे देने वाली ब्रीड हो। मैंने जैसा कि आपको बताया, आप वहाँ अपने ले सकते हैं, क्योंकि ठंड में मुर्गियों के अंडों की रेट बहुत अधिक हो जाता है और हमारे ख्याल से इतनी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है कि अंडा अटता नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जो टेबल लगाता है खाने वाला, उसको कलर कर लेते हैं। कलर का सिस्टम बताया, कलर का सिस्टम बता देंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उससे भी बचिए, उसके टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग देसी अंडे का स्कोप लाइए और अच्छा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में 10 रुपये, कहीं 15 रुपये का अंडा बिकता है ठंडियों में देसी मुर्गियों का। अब भाई वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं, किस जगह से हैं, तो उस हिसाब से आपको आपके मुर्गियों के अंडे का रेट मिलेगा। जब आपकी क्वालिटी रहेगी अंडे में तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कहाँ पे आपका 10 का बिक रहा है, कहाँ 15 का बिक रहा है। और इसके लिए आप लोग अपने यहाँ फीड भी देसी मुर्गियों को अपने यहाँ से बना के उनको खिला सकते हैं। जैसे कि फीड के लिए हम आपको बता दें, इनको आप धान दे सकते हैं, मक्का है, ये सारी चीज़ें, गेहूं की दरिया होती है, गेहूं दरवा के उसको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मोटा दाना खिलाएंगे तो उससे आपको अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। और यदि और अधिक प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप इनको लेयर फीड खिलाइए और अपने बिजनेस को तुरंत खड़ाखट बढ़ाइए। इस तरीके से आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यदि जैसे आपको हमने बताया कि जैसे कोई बच्चे से पालन नहीं करना चाह रहा, तो जैसे आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये पूरी मुर्गियाँ रेडी हैं, आप हमसे मुर्गियाँ भी ले सकते हैं, ले जाके इनको पाल के भी आप कमाई कर सकते हैं, अपना अंडों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अधिक ज़मीन नहीं है या बड़े लेवल से फार्म हाउस नहीं बना, तो आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं। एक बढ़िया छप्पर या छोटा मोटा टीन शेड डाल के 10x10, 10x50, 20x50, जितना भी एरिया अपने पास हो आप लोग डाल के अपने यहाँ बिजनेस शुरू कर दीजिए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लोगों के हमने देखा ठंडियों में लोग पाल लेते हैं 10-20 मुर्गियाँ घरों में भी, उनसे अंडे का प्रोडक्शन करवाते हैं और अच्छा और शुद्ध अंडा खाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कलर्ड एग आ रहे हैं मार्केट में देसी बनाने के लिए, लोग क्या करते हैं वाइट एग को आती कुछ दवाएँ उससे कलर कर लेते हैं और उससे बेच देते हैं। तो इस बारे में भी हम वीडियो आपको बना के बताएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से। अभी तो हम बात करें देसी मुर्गियों पालन, देसी मुर्गी का आपको जैसे अभी हमने फीड बताया कि धान, गेहूं, मक्का, ये सारी चीज़ें आप इनको दे सकते हैं। और आपके यहाँ लोकल में जो अधिक उत्पादन हो, जो जिस चीज़ का अधिक प्रोडक्शन आपके यहाँ हो, वो दे सकते हैं। और इनको आप डेली 120 से 135 ग्राम का फीडिंग कराइए। 120 से 35 ग्राम फीडिंग में ये आपके यहाँ अधिकतम प्रोडक्शन अंडे का देंगे और आप लोग अंडे को सेल कर सकते हैं।
तो आप लोग यदि हमसे भी लेना चाहते हैं बड़ी मुर्गियाँ तो आप हमसे भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ लोकल में मिल रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप ब्रीड अच्छी ही लेनी है। जैसा कि हमने आपको ब्रीड का नाम बताया, उस तरीके से ब्रीड पालेंगे तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए, वीडियो पाने के लिए, फार्मिंग से रिलेटेड जुड़ी रहने की फार्मिंग की जानकारी के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि आगे हमारा चैनल ग्रो करे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।